ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੇ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੋਹਰ ਵਿਖਾਇਓ ਹੋ ਜਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਓ। ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਮੋਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿੱਧਰ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਓ ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੋ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਰੁੱਖ ਲਓ। ਸੱਤ ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਠ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅੱਠ ਬੁਲ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਾਲਾ ਮਾਦੀ ਕੱਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਲਾ ਮਾਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰ ਬੱਟ ਵਾਲਾ ਲੋਰੀਆ ਬੱਚਾ ਪੰਜਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਸੱਤ ਨੰਬਰ ਛਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੱਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਲਪਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸੱਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਠਵਾਂ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਤਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਛਾਤੋਂ ਫਜ਼ਾਈਆ ਟੋਨ ਤੋਂ ਜੀ, ਬਰਾਹ ਰਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਚਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਹਮਜ਼ਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਰ ਭੱਟ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣ ਬਾਊ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਲਟੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਰੰਗੋ ਬਗੈਰ। ਜੀ ਥੱਲੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ,
मेहमान आए ने बाहर जी पिछे हजारिया टोन सोसाइटी है जी जी। जी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जी लो जी कबूतर उड़ चुके ने जी कबूतर ने जी अपनी उड़ान भर ली है जी वाह है जी उत्ते माशाल्लाह जी उस्ताद जवेद गोंदल साहब जी वालेकुम सलाम जी मलक नेम साहब पहुंचा देने जी सलाम लाला जी थले खलोते ने जी माशाल्लाह जी कट्ठे उड़ रहे ने जी सारे जी सही लाला जी सही नजर आ रहा है दस्यो हां जी फिर कट्ठे हो गए ने जी यार दस्या जी भारा जी इत्थे ठीक नजर आ रहे ने जी माशाल्लाह जी फोकस हो गया जेके
फोकस क्यों नहीं होना इंशाल्लाह। अठे दे अठे नजर आ रहे ने, शायद वीडियो पर बनना कबूतर पर उड़ दे। हाँ जी सनी भाई जी, की हाल है? ठीक हो? इंग्लिश लिखते मैनू इंग्लिश आंदी है। सनी भाई जी पढ़िया होंदा ना उस्ताद सनी जट ऑफ जापान वाले जी, भेज के पकौड़े खा जाने सन, थोड़ा जिहा पढ़िया होंदा अगर। लाला जी आंदे अल्लाह पाक दा शुक्र। सनी भाई ठीक ठाक, तुसी सुनाओ ठीक हो? उजल हो गए ने जी, उजल हो गए ने। तो दोस्तों आपने देखा कबूतरों को सेंध लगाने के बाद कबूतरों को बकायदा उड़ा दिया गया। थोड़ा सा टाइम नहीं था, रात को भी मैंने आप लोगों से कुछ चंद गुजारिशात आपके सामने खुसूसी तौर पे मुनसब के शोभा के हवाले से रखी थी कि आज के दिन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खाना मालक की ये होती है कि मुनसब बर वक्त टाइम पे पहुंचे, स्टैंप उसके पास सही होनी चाहिए। और ज़्यादा जोर मैंने आपको, आपने देखा भी होगा कि माजी में आपको स्टैंप पैड के हवाले से कबूतरों की मोरें मिट जाने के हवाले से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो सामने आए, उसमें स्टैंप पैड का बड़ा पुख्ता होना, उसकी स्याही का मायारी होना ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मुनसब को खसूसी तौर पर उस दिन का जो टूर्नामेंट है, जो क्राइटेरिया है उसका, उस पर उसको पूरा अबूर होना चाहिए कि कितने कबूतरों को मोरें लगानी है, कितने कबूतरों का टाइम। ये दोस्तों गुज़श्ता फिरत में शाह भाई बता रहे हैं कि एक बच्चा जो है रात है कि वो ये सुबह बच्चा जी रात रहे आसी जी शायद भाई दा कि वो अपना पसंदीदा अपने उस्ताद के घर का उस्ताद रियाज भट साहब। दोस्तों भट बरादरान की अगर मैं बात करूं गुजरांवाला से, आप देख लें आजी भट, जैद भट, जमील भट, नुमान भट, जितने भट बरादरान हैं तमाम को ये इस शौक़ से वो वाबस्त हैं। अब इसकी पता नहीं क्या वजह है, ये खोज भी हम इंशाल्लाह निकालेंगे किसी। तो आइए बशार भाई शौक करवाएं। शायद भाई जी कबूतरों का शौक करान दे जी। जी नन्ना मुन्ना बच्चा भी आया जी शौक करन जी। शायद भाई एक भाई, शायद भाई केड़ा कबूतर है जी? एक गोल्डन कबूतर है, उस्ताद रियाज ने दिता है सानू। है जी उस्ताद रियाज भट साहब होरां दे घर दा जी गोल्डन कबूतर है जी, जिहदा तुहानू शौक करा रहे हैं जी। उस्ताद रियाज भट साहब होरां दे घर दा जी गोल्डन कबूतर है जी।
दूसरे धाके का दे दूसरे धाके का जी दूसरे धाके का पट्ठा लिया सरदार रियाज भट्ट साहब आप गुजरांवाला जी उन्होंने घर का कबूतर है जी गोल्डन जी ओदा तुहानु शो करा रहे हैं लिओ जी हुण दूसरे ठीक हो सनी भाई जी ठीक ठाक हो राजा अफताब साहब जी फिरोजाबाद तो सन देख रहे ने जी उस्ताद अमर भट्ट साहब सामने कबूतर सामने छाती है लाला कैसर साहब रहा जी टैडी कबूतर है जी जेड़ा के उस्ताद शहद सॉरी शहद भट्ट साहब रहा गिफ्ट किए हैं जी उन्होंने जी कैसर भाई रल के शो कर दो बचे उन्होंने घर दे पे ने एक जिदा ना कप्तान 40 नंबर एक काले चिट्टे मोतियां वाला ठीक हो गया कैसर भाई दे घर दे टैडी कबूतर है जी मैं फड़ना पी जी कैसर भाई दे घर दा जी टैडी कबूतर दा तुहानू शो करा रहे हैं जी दस पारे ने मेरे को साफ किते ने हुण पट्ठा कोरा शायद भाई ने दस पारे ने मेरे को साफ किते ने जी कोरा पट्ठा वे जी एदे शायद भाई जी और कबूतर दा तुहानू शो करान दे जी और भाई जी तुसी सुनाओ तुहाडा की हाल है जी ठीक ठाक मनु शक तुसी पहलवानी शलवानी ते नहीं करदे बस करदे रहे हां ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਉਧਰ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਕਰਾਨੇ ਆ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਰਿਆਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਜੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ
मिठू बादशाह साहब ने जी। और जी मिठू भाई जी की हाल है? मिठू भाई पान बड़े खाते ने जी, कबूतर की देखभाल मिठू भाई कर रहे ने जी। लो जी शायद भाई जी एक और कबूतर लिया जी। ए टैडी? हाँ जी टैडी फजान भट्ट के घर का कबूतर है। टैडी कबूतर है जी फजान भट्ट साहब और घर का जी। टैडी कबूतर का तुम शो करा दे सामने रखो। इन्हें पिछली वारी चेत उस्ताद रियाज की छत से तीन दिन बच्चा उड़ाया ही। फजान भट्ट साहब रहंदे घर दा जी। टैडी कबूतर है जी। फजान भट्ट साहब होरां दे घर दा टैडी कबूतर दा तुहानू शो करा रहे हां जी। इहदा बच्चा अज भी उड़ रहा? हां जी अज भी उड़ रहा। अज भी उड़ रहा जी। सत नंबर जी इहदा बच्चा जी। थोड़े पैंदे नहीं कदी खड़े नहीं ना कबूतर है। दूजा सोड़ा पैंदा है। हाँ जी वो ना कदी खड़े नहीं ना जानवर ना फिर। बड़ा अच्छा माशाल्लाह दा रिजल्ट है। शायद भाई दस रहे जी बहुत माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट है दोनों का। माशाल्लाह जी ए फजान भट्ट साहब होरां दे घर दा जी टैडी कबूतर दा तुहानूं शो करा रहे हां जी। असा जी इंडिया तो फिर बंगलादेश तो सानू कोई बंदा देख रहा जी। हिंदी च उन्हें नाम लिखे है सामने। जेड़ा गोल्डन जोड़ा नहीं साडा वड्डा उस्ताद रण लैंदा है ओदा पट्ठा है। पट्ठा जी ए जेड़ा अगे वहाया ओ हां जी नहीं ओदा पुत्र है। अच्छा वो गोल्डन दा जेड़ा उधरों दिखाया सी जेड़ा अगे तुहानू गोल्डन कबूतर वहाया ओदा पुत्र है जी। ऐदा पुत्र है ओ पुत्र है ऐ पुत्र है ओ प्यो है। अच्छा ओ प्यो है जी जेड़ा पहला दिखाया ओ प्यो है ते पुत्र है जी। गोल्डन कबूतर उस्ताद रियाज भट्ट साहब होरां दे घर दा जी। गोल्डन कबूतर जेड़ा पहला तुहानूं दिखाया वे ए ओदा पुत्र है जी। एदे जिन्ने बच्चे सी छड्डे ने बाहरों दो छड्ड के अंदरों चार चार बन्ने ने बच्चे रात रहे ने असां ओ पटाई च लैंदे ने जेठ आस्ते। माशाल्लाह जी सर रियाज भट्ट साहब होरां दे घर दा गोल्डन कबूतर जेड़ा पहला तुहानूं वहाया ए उहदा पट्ठा है जी। शायद भाई दस रहे ने कि जी इन्हां दे जेड़े बच्चे ने दो दो बाहरले छड़ के अंदरले बन्ने ने अंदरले चार चार बन्ने ते रात अंदरले चार चार पर बन के डाए ने ते रात रह जांदे हन जी।
दूसरा हुण धक्का करदा पिया, दूसरा धक्का लग्गिया जी इहनूं। ਸਤਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਦ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਦ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਾਹਰ ਜੀ। ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਹਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਛਾਤੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਹੈ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਭਾਈ ਕਬੂਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਦੀ ਇੱਕ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਡੀ ਮਾਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਟੈਡੀ ਮਾਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਜ਼ਾਨ ਭੱਟ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਫਜ਼ਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਟੈਡੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਜ਼ਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੀ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਭਾਈ ਜੀ।